श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत आज जीवित पुत्रिका पर्व के तहत हमारी जो पुलिस टीम है थाना दशाश्वमेध की, वो चितरंजन पार्क और दशाश्वमेध घाट के आसपास गश्त कर रही थी। तभी एक व्यक्ति जिनका नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है, वो जयपुर राजस्थान से आए हैं और उनके द्वारा ये बताया गया कि उनका एक पर्स गायब हो गया है। जब हमारी पुलिस टीम उनके साथ अन्य लोगों के आसपास घूम रही थी, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश कर रही थी, तभी कुछ महिलाएं मिली जिनके व्यवहार जो था वो संदिग्ध था। जब उनकी तलाशी ली गई, उनसे बातचीत की गई, तो ये पता चला कि उनके पास कई ऐसे पर्स मिले हैं जो उनसे संबंधित नहीं हैं और उसमें कई अन्य लोगों की आईडी मिली थी। उनके पास से 5 छोटे पर्स मिले हैं और 2 बड़ा पर्स मिला है, उसमें 9,000 रुपया मिला और 1 पाउंड भी मिला है। इसके साथ ही साथ उनके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ जो उनका नहीं था। उनकी संख्या 6 है। वो 6 महिलाएं हैं जो गोपालगंज जिले की बिहार जनपद की हैं और उनके द्वारा ये बताया गया कि वो यहाँ पर भीड़ भाड़ वाले एरियाज में आती हैं और जब भी पर्व होता है, त्यौहार होता है, तब वो आती हैं और फिर इसी तरह की महिलाओं को टारगेट करके चोरी करती हैं। ये काफ़ी दिनों से क्षेत्र में चली थी। जी हाँ, हमारा भी जो पुलिस टीम है वो पूरी सावन महीने से ही इस तरह की महिलाओं की तलाश में जुटी हुई थी। हमारे पास सूचना आई थी कि कुछ महिलाओं का गैंग है वो सक्रिय है, इसलिए कई दिनों से हम लोग इनकी तलाश में थे और आज 6 महिलाओं को इस संबंध में गिरफ्तार किया गया। पहले भी ये लोग जेल जा चुके हैं? इससे पहले अभी तक जेल जाने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन हम लोग इसकी तलाश कर रहे हैं कि इनका कोई आपराधिक इतिहास हो तो उसकी सूचना हमें मिले। मैडम, आगे भी अभियान इस तरह चलता रहेगा? जी हाँ, अब त्यौहार शुरू हो गए हैं, आगे दुर्गा पूजा भी है, दिवाली का त्यौहार भी है, देव दीपावली भी है, तो हमारी पुलिस टीम इसी तरह सक्रिय होकर के अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करती रहेगी।